स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम दोस्तों आपको इस वीडियो में दिसंबर यानी कि 30 दिसंबर तक जो है बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं और आने वाली हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज जो हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज जो हैं अभी जिसको आपको फिलअप करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देखना है तो पर्टिकुलर वीडियो जो है इसकी रिगार्डिंग अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहली जो वैकेंसी हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे ये दोस्तों एक तरह से समरी वीडियो है, जहाँ पर मैं आपको हर एक वैकेंसी का एक समरी बताऊँगा, क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, कितना सैलरी है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है पहली वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें आई हुई दोस्तों वैकेंसी है। यहाँ पे जो है 300 से ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों। तो यहाँ पे देखोगे अगर आप 386 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए है। इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 14 जनवरी 2021 रखी गई है। देन दोस्तों अगर बात की जाए यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए और कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है और सैलरी वगैरह क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैनेजर के लिए आपका यहाँ पे फायर सर्विसेज टेक्निकल या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एयरपोर्ट ऑपरेटर या फिर कह सकते हो एयरपोर्ट ऑपरेशंस टेक्निकल के लिए यहाँ पे वैकेंसीज हैं। यहाँ पे दोस्तों 60,000 से लेके 1,80,000 तक तो जो है सैलरी दी जा रही है। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कि यहाँ पे जो है और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पे दोस्तों बैचलर्स डिग्री इन 3 ईयर BSc के कैंडिडेट, या फिर अगर आपने BSc इन मैथमेटिक्स फिजिक्स से कर रखा है तो आप जो है यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएट इन साइंस के कैंडिडेट और BTech इन डिग्री इन ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। देन दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट डेट है 15 जनवरी 2020 जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो अगली वैकेंसी जो हमारे पास है दोस्तों UPPCL JEE की वैकेंसी है। यहाँ पे दोस्तों UPPCL में जो है वैकेंसियाँ रखी है जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के फ्रेशर्स कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो है 212 वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो लास्ट डेट है 28 दिसंबर रखी गई है। यहाँ पे दोस्तों अगर बात की जाए क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है और यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट है, क्या ब्रांच वगैरह है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 191 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए 21 वैकेंसीज यहाँ पे आ रखी है दोस्तों। यहाँ पे जो सैलरी है दोस्तों 44,900 से लेके आपको जो है बाकी अलग फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे दी जाएगी। देन दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए कैसे इसका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो यहाँ पे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल और टेलीकम्युनिकेशन के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1,000 रुपये का फॉर्म का एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है और 700 रुपये जो है SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रखा गया है। लास्ट डेट एक बार फिर बता दूँ दोस्तों, ये फॉर्म जो है 4 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जो लास्ट डेट है 28 दिसंबर है, इससे पहले जो है फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की और अगली वैकेंसी दोस्तों हमारे पास जो है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में है। दोस्तों यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ रखी है, यहाँ पे दोस्तों अगर बात किया जाए तो इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों 27 दिसंबर रखी गई है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे जो है स्टेनोग्राफर Grade 2, स्टेनोग्राफर Grade 3, अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर परचेज असिस्टेंट और जूनियर स्टोर कीपर के लिए जो है वैकेंसीज आ रखी हैं। 63 जो है टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। अगर आपने दोस्तों ये फॉर्म नहीं फिलअप किया ज़रूर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है 12th डिग्री डिप्लोमा के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे 3 तरह का लेवल का एग्जाम होगा, Level 1, Level 2, Level 3। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पे 100 रुपये का रखा गया है। बाकी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए और SC/ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है दोस्तों। इसकी जो लास्ट डेट है आपका 28 से ये फॉर्म जो है स्टार्ट हो रहा है और लास्ट डेट जो है इसका 27 दिसंबर 2020 रखा गया है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं यहाँ पे अगली वैकेंसी की। तो अगली जो वैकेंसी हमारे पास है उसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है दोस्तों 5,000 से ज़्यादा वैकेंसी आ रखी है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए कि देखोगे अगर आपका नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के अंदर 8,500 वैकेंसीज हैं दोस्तों। यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है 300 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है और ये जो फॉर्म है दोस्तों 20 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, इसकी जो लास्ट डेट है 10 दिसंबर 2020 रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पे जो है 20 से 28 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और यहाँ पे दोस्तों आपको सैलरी वगैरह भी दी जा रहा है। तो 15,000, 16,000, 18,000 जो यहाँ पर सैलरी है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे दिख जाएगा जैसे कि हर एक स्टेट की कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।